साप्ताहिक शूलिनी टीवी न्यूज बुलेटिन पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आपके लिए सीधे कैंपस से ताजा समाचार लेके आते हैं। मैं हूं अमन और ये हैं इस हफ्ते के मुख्य समाचार। छात्रावास में दाखिला लेने के लिए निर्देश, शूलिनी में पहली बार पूर्णकालीन कोच नियुक्त, विश्व खुशी दिवस पर प्रतियोगिताएं, धर्मशास्त्र पर वेबिनार का आयोजन, घावों के जल्दी भरने के लिए क्रीम विकसित। और अब समाचार विस्तार से, प्रियांशी हमें बताएंगी हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए नियम। निदेशक संचालन ब्रिगेडियर सुनील मेहता ने कहा है कि छात्र कैंपस में आ सकते हैं और हॉस्टल में पूर्व कोविड परीक्षण रिपोर्ट और माता पिता की सहमति से शामिल हो सकते हैं। वे अपने हॉस्टल से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं, जहाँ वह उच्च गति इंटरनेट और अन्य आराम 24 घंटे उपलब्ध है। आरुषि ने उनसे इस बारे में बातचीत की। What are the requirements for the students needed to be fulfilled to come back to the campus? Basically, there are two main requirements. Firstly, is you need to have a RT-PCR COVID test negative report. The test should have been done within 5 days of arriving on campus. Second is an undertaking which has to be signed by the student and the parent, both. Both these documents have to be uploaded. Once we find that they are correct, we confirm for the student to come on campus, and thereafter the student can plan and reach the campus. उन्होंने कहा है कि कनेक्टिविटी के अलावा परिसर में सभी सुविधाएं जैसे प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, सभी शिक्षण संकाय, खेल क्लब और अन्य सुविधाएं एक महान शिक्षण अनुभव के लिए छात्रों के लिए आसानी से उपलब्ध है। हालांकि अभी ऑनलाइन शिक्षण ही जारी रहेगा। शूलिनी विश्वविद्यालय ने छात्रों और फैकल्टी के लिए एक पूर्णकालीन पेशेवर परीक्षक नियुक्त किया है। पायल जिंदर खन्ना ने इस बारे में यशोदा को जानकारी दी। Now what happens when you see these individuals landing in future, awakening to the possibilities again, I would say, you know, in front of them. A fresh life is infused. And they are able to make choices from a plethora of options that are in front of them. This gives them the power of choice, and this is true empowerment. So with that spark in the eye, where they would have thrown the limitations, self-limiting beliefs rather, out of the window, imagine what they could do. This spark in the eye is what lies behind the reason and the cause of bringing coaching to Shulni University and enabling these students to write their own success stories. उन्होंने कहा कि उन्होंने MBA छात्रों के एक समूह के साथ एक पायलट परियोजना शुरू की है और जल्द ही अन्य छात्रों के लिए एक योजना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के शीर्ष पेशेवर कोचों का एक समूह भी छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करेगा। और अब खुशी द्वारा योग सत्र पर एक रिपोर्ट। स्कूल ऑफ योगा ने हर शनिवार सुबह एक कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र शुरू किया है। यह शुरुआती योग विद्यार्थियों के लिए एक योग प्रारंभिक सत्र होगा। यह ओपन एयर थिएटर में सुबह 7 से 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर सुबोध सौरभ सिंह ने कहा कि कोई भी योग सीखने के लिए इसमें शामिल हो सकता है। इसका संचालन सुश्री दीपशिखा ठाकुर, श्री आभार कौशिक, श्री राजेश और श्री सतीश द्वारा किया जाएगा। यह दिन शुरू करने का एक बढ़िया तरीका है। अब ऋषभ हमें वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर हुई प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी देंगे। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया गया। शूलिनी विश्वविद्यालय ने ड्रीम्स क्लब द्वारा क्या आपको खुश करता है नामक एक कार्यक्रम का आयोजन करके दिन को और भी खास बना दिया था। आकाश तोमर की तस्वीर, जिसके साथ आनंद लेने वाले बच्चों के समूह को प्रथम पुरस्कार मिला। दूसरा पुरस्कार विजेता रहे तन्मय, जबकि आकाश गोयल और साकेत सौरभ को विशेष पुरस्कार दिए गए। दूसरी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को किसी को खुश करने के बारे में तस्वीरों के साथ एक अनूठी कहानी को बनाने के लिए कहा गया था। प्रज्ञा सूद ने तस्वीरों के कोलाज के अपने प्रवेश के साथ प्रतियोगिता जीती। प्रियंका सागर नेगी ने दूसरा पुरस्कार जीता, जबकि अमित अभिषेक को विशेष पुरस्कार दिया गया।
प्रतियोगिताओं का संचालन डीन स्टैंडर्ड्स वेलफेयर श्रीमती पूनम नंदा ने किया। कार्यक्रम के आयोजन के पीछे का विचार प्रतिभा को पहचानना और दूसरों के साथ खुशियां साझा करना था। आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास मनिंदर हैं, जो हमें धर्मशास्त्र पर एक वेबिनार के बारे में बता रहे हैं। कहिए मनिंदर। योगानंद, सेंटर फॉर थियोलॉजी शिरडी विश्वविद्यालय ने द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार के प्रमुख वक्ता वेदांत इंस्टीट्यूट मुंबई, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वेदांत फिलोसफर अक्षय और लेखक डॉक्टर जानकी संतोखे थे। श्रुति रिफर्स टू हियरिंग एंड इट रिफर्स टू हियरिंग द वॉइस ऑफ योर ओन कॉन्शियस। इट इज द ट्रुथ एज इट अनफोल्ड्स टू यू एंड एज इट अनफोल्ड्स टू यू यू लिव बाय दैट। नाउ व्हाई डज दैट ट्रुथ अनफोल्ड? इट इज बाय रिफ्लेक्शन ऑन द नॉलेज दैट वी हैव गॉट। Today, knowledge has become like information gathering. So we are not able to implement any of the knowledge we have. But when we reflect upon it, we give it considered thought, think it through completely, just like you do science. वेबिनार का उद्घाटन कुलाधिपति शूलिनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पी के खोसला ने डॉक्टर जानकी संतोखे के साथ किया। सत्र का संचालन पूर्व IAS अधिकारी टेडएक्स वक्ता और लेखक श्री विवेक अत्रे और डॉक्टर प्रेरणा भारद्वाज सहायक प्रोफेसर और योगानंद सेंटर फॉर थियोलॉजी के समन्वयक ने किया। धन्यवाद मनिंदर। और अब हमारे खंड आइडिया फ्रॉम शूलिनी में हमारे पास मधुमेह रोगियों के घाव भरने के लिए एक आविष्कार है। श्रेया इसके बारे में हमें जानकारी देगी। मधुमेह रोग से पीड़ित लोगों के घावों को ठीक होने में अधिक समय लगता है। शूलिनी PhD स्कॉलर आलिया अली मधुमेह के घाव और अल्सर के इलाज के लिए एक नवीन विचार लेकर आई है, मोरिंगा ओलिफेरा के अर्क से बनाई गई एक क्रीम आधारित सूत्रीकरण। उन्होंने कहा, डॉक्टर सौरभ कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर पूनम नेगी इस शोध में उनकी सहायता कर रहे थे। पहले उन्होंने ये सामान्य घावों के गठन का परीक्षण किया, जिसमें ये 3-4 दिनों से ही प्रभावी साबित हुई और इसका कोई निशान भी नहीं रहा, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। यह एक अद्भुत आविष्कार है। और अब अंत में यह रहे रेडियो शूलिनी पर आने वाले सप्ताह के लिए रेडियो शूलिनी शो। इसे पेश कर रहे हैं रोहित उत्तम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी में इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के साथ। सर्वप्रथम मेरी कलम से RJ ओम द्वारा बधाई हो, वायरल हुआ है RJ साकेत द्वारा। फेक मतियार RJ इंदु नेगी द्वारा। हफ्ता वसूल RJ शुभ द्वारा। और ये सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं। सो जल्दी से जाइए और इनका लुत्फ उठाइए। धन्यवाद। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको अगला संस्करण अगले शनिवार को लाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी देखभाल करें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।